राजेश खन्ना सारे वो अभिनेता जिनके लाखों ने बल्कि करोड़ों फैन फॉलोइंग था, राजेश खन्ना साहब को लेके यहाँ गाड़ी को, जैसे ये व्हाइट गाड़ी है ना, तो जो दीवार है व्हाइट गाड़ी अगर रहता था ना तो व्हाइट गाड़ी को राजेश खन्ना साहब छोड़ के चले जाते थे ना, तो लड़कियाँ उनको चुम्मा ले लेके उस गाड़ी को लाल कर दिया करता था। लेकिन अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है एल्विस यादव में, एल्विस यादव के दीवानी को देखिए, आज मुस्लिम से लेके सिख ईसाई हिंदू से लेके हर जाति के लोग भैया यादव का नाम रोशन, ऐसे ऐसे देखिए यादव का नाम तो रोशन कर ही रहा लेकिन अपने देश का भी नाम रोशन कर रहा उस अभिनेता, मतलब उस दौर में राजेश खन्ना साहब, राजेश खन्ना साहब जो हमारे अभिनेता थे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब ही थे और बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्म देने वाले धर्म थे। लेकिन भैया अभी हम नेपाल में हैं तो किसी के घर में रह के चाहे होटल में रह के थोड़ा जोर से बोलिए अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन एल्विस यादव की जिस तरह से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कोई बोल रहा है 21 वो फर्नीचर लेके जाएंगे, तो कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, और दिवाली अगर पुरानी गर्लफ्रेंड वो भी आज एल्विस यादव के लिए परेशान है, ये एल्विस यादव की वोट कीजिए। यही नहीं उर्फी जावेद जेकरा हम रात दिन टारगेट करते हैं उर्फी जावेद के, वो भी उर्फी जावेद भी आज एल्विस यादव की दीवानगी है। खैर विश्वनेता मनीषा रावी ये सब वही कैटेगरी के है, मनीषा रावी अपन ऐसे ऐसे दिखा ए भैया काहे गाड़ी से मिलवा। खैर भैया तोहर का कहे की इच्छा हुआ, तोहरी लोग की का कहे की इच्छा हुआ, अभी तो ऐसे नेपाल में है लेकिन न रह गई, अब नेपाल में भी रह के भी एगो हम वीडियो बना दिली एल्विस यादव के लिए, और बताओ अब का चाहिए अब बताओ। फिर वीडियो को सब्सक्राइब करिए और नीचे लाल बटन दबा कर चैनल के फिर मैं सब्सक्राइब कर लिया।